तो चलो हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास में बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें डायरेक्टली हमारे पास एक्सप्रेशन दिया होता है उसको सॉल्व करने में लोगों को उतनी तकलीफ नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होता है जब ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स दिए होते हैं। तो हम लोग शुरुआत क्या करते हैं, इन्हीं वर्ड प्रॉब्लम से करते हैं एंड काफी ईजी है। पहला जो क्वेश्चन हमको यहाँ पे ये बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी बेटी को क्या बोलता है। आफ्टर टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were। 7 साल पहले क्या था, वो अपनी बेटी से 7 साल 7 times क्या था, ज्यादा एज था उसका। एंड 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद में क्या हो जाने वाला है कि वो अपनी बेटी की क्या हो जाएगा, एज का 3 times बस रहने वाला है। तो पहले ही वॉज लाइक 7 times ओल्डर देन हर, नाउ that means after 3 years he will be like 3 times older than her। okay, so ये condition हमारे पास में है। हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत हम लोग question से ही करते हैं, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पर ये सोचो कि कितने variable आने वाले हैं, कितने लोगों का एज हमको यहाँ पे निकालना पड़ सकता है। हालांकि हमको यहाँ पे एज निकालने नहीं बोल रहे हैं, हमको तो बस क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन निकालना है एंड ग्राफिकली हमको क्या करना है, इसको शो करना है। बट फिर भी हमारे पास में यहाँ पर अननोन कितने टर्म्स हैं, 2 हैं। ये अननोन टर्म्स है हमारे पास एज, पहला तो आफ्ताब का और दूसरा है डॉटर का। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन से ही सॉल्व करना शुरू करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो तो देखना ही अपने को। तो आफ्ताब के एज को मैं यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ एंड डॉटर के एज को मैं यहाँ पे वाई लेता हूँ। फिर आफ्ताब ने बोला क्या, 7 years ago आई वॉज, आई मतलब हो गया आफ्ताब, तो एज हमारे पास में एक्स किसका लगने वाला, आफ्ताब का 7 years ago। ओके, 7 साल पहले उसका एज ज्यादा होगा या कम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा एज अगर मान के चलो कि 15 है, ठीक है ना, तो 5 years ago तुम्हारा एज कितना था, ऑब्वियसली 10 रहा होगा। तो अगो की जब बात करते तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर को माइनस करते हैं। तो 7 years ago बोले तो हमें क्या कर देंगे, एक्स माइनस 7। तो 7 years ago आई का एज क्या हो गया अपने पास में, एक्स माइनस 7 एंड यू किसके लिए ये बोल रहा है, डॉटर के लिए बोल रहा है। तो डॉटर का एज था हमारे पास वाई, बट 7 years ago क्या होगा, डॉटर का भी एज 7 से माइनस हो जाएगा, तो वाई माइनस क्या हो जाएगा अपने पास में 7, ठीक है। तो हमारे पास में 7 years ago ये क्या था, 7 times ऑफ दिस, देखिए x माइनस 7 इंटू 7 इंटू वाई माइनस 7। तो हम लोग एक तरीके से क्या देख सकते हैं कि हमारे पास में एक इक्वेशन तो हमारे पास इसी में बन गया है, ठीक। दूसरा यहाँ पर हम लोग यहाँ पे कंडीशन देख लेते क्या बोल रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी, अगेन अब बात कर रहे हैं 3 साल बाद की, तो i हो गया है x हमारे पास एंड 3 years फ्रॉम नाउ दैट मीन्स हमारे पास एज क्या होगा, अपने पास एड होने वाला है। तो एक्स प्लस 3 हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, विल बी 3 times अगेन ओल्ड एज यू, यू हमारे पास क्या है वाई है एंड ये जो है तुम्हारी डॉटर, ये तो क्या बोलते हैं आफ्ताब की जो डॉटर है ये भी क्या होने वाली है अपने पास में 3 years फ्रॉम नाउ क्या होने वाली है, 3 years ओल्डर होने वाली है। तो ये हमारे पास डायरेक्टली क्या हो गया, हम लोग इससे एक्सप्रेशन से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलो हम लोग क्या करते हैं प्रॉपरली यहाँ पे लिखते हैं कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अज्यूम करेंगे, करते हैं लेट एज करंट एज लिख लेते हैं, ठीक है ना, या फिर प्रेजेंट एज लिख सकते हैं, करंट एज ऑफ आफ्ताब इज एक्स एंड करंट एज ऑफ हिज डॉटर इज वाई। सो हमारे पास जो कंडीशंस यहां पे दी हुई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास हमको क्या बोला है, 7 years फ्रॉम नाउ एक्स सॉरी 7 years ago आफ्ताब का जो एज था 7 times था ऑफ हिज डॉटर। अगेन ये आफ्ताब का एज हो गया है, ये डॉटर का एज हो गया है, 7 times है।
बिकॉज 7 years अगो बोला था, इस हमसे x माइनस 7 हो गया और x ये y माइनस 7 हो गया. तो ये था हमारे पास में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years अगो. बट अगर हम लोग बात करते हैं 3 years फ्रॉम नाउ, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो जैसे कि हम लोग यहां पे फाइंड आउट किए थे 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 3 एंड ये हो जाएगा 3 times of his daughters, तो y प्लस 3 हो जाएगा. अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखना चाहूं इक्वेशन तो सॉल्व कर लेता हूं. ये हो जाएगा आपके पास में x माइनस 7, ये हो जाएगा 7y माइनस 49. ट्रांसपोज कर लेते हैं तो x माइनस 7 माइनस 7y माइनस 49 इक्वल टू 0, बिकॉज अब हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में कोई बचा ही नहीं. तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं इसको x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 हो जाएगा अपने पास में 656 इक्वल टू 0. तो ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन फर्स्ट वाले का, सॉरी ये यहां पर अपने पास में प्लस हो जाएगा 7 ही, ठीक है. और हमारे पास यहां पे बचने वाला है 42 प्लस में. ओके, अब हम लोग को क्या करना है, 3 years फ्रॉम नाउ देखना है. तो यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास, x प्लस 3 इक्वल्स 3y, 3 जा 9 हो जाएगा अपने पास में. ट्रांसपोज वैसे ही करते हैं, x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, कोई नहीं बचने वाला हमारे पास वहां साइड में, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 0. तो ये हमारे पास में दो अलग अलग इक्वेशन हो गए. तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, एल्जेब्रिकली इस सिचुएशन को हमने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है. ये तो आधे ही हमारे पास किया हुआ है सोल्यूशन उस क्वेश्चन का. हमको ये भी बोला जा रहा है कि हमको क्या करना है यहाँ पे, ग्राफिकली भी हमको यहाँ पे शो करना है कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये चेंज होने वाले हैं. तो ग्राफिकली चेंज दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे ग्राफ बनाना पड़ेगा. उसके लिए हमारे पास में पॉइंट्स होने चाहिए. मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, कि फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट के लिए हमको यहाँ पर वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये एक्स हो जाएगा. ठीक, अब मैं क्या करता हूं, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए मैं y की वैल्यू को यहां पे फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं. तो यहां पर x तो लिख लिया और यहां पे y जो रहेगा, y की वैल्यू मैं इसके लिए कैसे लिख सकता हूं. अगर मैं यहां पे y वैल्यू निकालना चाहता हूं, ट्रांसपोज करके यहां लिखता हूं मैं x प्लस 42 अपॉन 7. तो यहां पर मैं सॉल्व करूंगा तो y इक्वल टू ये एक्सप्रेशन आने वाला है. अगर मैं यहां पर क्या करता हूं कि y की x की वैल्यू को 0 पुट करता हूं, तो लेट्स सी यहां पर क्या आता है, 42 अपॉन 7. 7 के टेबल में 42 कब आता है, 6 टाइम्स. ठीक, अब अगर हम लोग यहां पे कोई दूसरी वैल्यू पुट कर लेते, जैसे 7 यहां पर रख लेते, तो 7 और अपने पास यहां पर हो जा रहा 42 प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में 49, 7 7 हो जाएगा अपने पास में. ठीक है, यहां पे 14 कर देते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास में 8 सा. ठीक है, अगर मैं यहां पे डबल कर लेता हूं, 42 प्लस 42 कर लेता हूं, अब देखते हैं हमारे पास कितना हो जाएगा, 42 प्लस 42 कितना हो जाएगा अपने पास, 94 हो जाएगा. ठीक है, तो इस केस में हमारे पास में जब मैं 12 से इसको डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कंप्लीटली कट जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया अपने पास से पहले वाले इक्वेशन के लिए हमने कुछ कुछ पॉइंट्स लिए हैं. अब मैं क्या करता हूं, दूसरे वाले के भी सेम चीज कर लेता हूं. ठीक है, यहां पर हमारे पास में x के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, y हमारे पास क्या होने वाला देख लेते हैं. तो यहां पर अगर मैं y निकालना चाहूं तो y को तो मैं लिख सकता हूं x माइनस 6 अपॉन ये रहेगा अपने पास में 3. ठीक है, अगर मैं यहां पर क्या करता हूं कि x की वैल्यू को 6 रखता हूं, x 6 y के लिए क्या रहेगा अपने पास में 0 हो जाएगी. ठीक है, अगर मैं यहां पर 12 रखता हूं तो क्या हो जाएगा अपने पास में, अगर x की वैल्यू 12 रखता हूं तो मेरे पास में ये 6 बचेगा और अपने पास ये रहेगा 2. अगर मैं यहां पे रखता हूं 18, तो 18 माइनस 6 क्या होता है अपने पास में, बचता है 12. एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा. ठीक है, एंड हमारे पास अगर ये हो जाएगा 42, तो 42 माइनस अपने पास में क्या है 6,
ये जगह अपने पास सिक्स एंड हमारे पास भी रहेगा थ्री, तो ये हो जाएगा अपने पास में ट्वेल्व। तो इस तरीके से हमारे पास में पॉइंट्स आ गए हैं। ये चीज हम लोगों ने पहले भी देखा है कि किस तरीके से हम लोग पॉइंट निकालते थे और कैसे यहाँ पे प्लॉट करते थे। एक चीज ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हमको कभी भी ग्राफ बनाने से पहले ये ध्यान देना पड़ता है कि हमारे पास में पॉइंट का रेंज क्या है, हमारे पास में एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक रीच कर रही है एंड वाई की वैल्यू कहां तक रीच कर रही है। हम लोग उसके हिसाब से क्या करने वाले, यहां पर डिविजन करने वाले, ठीक है। तो हमारे पास ये तो हो जा रहा है एक्स एक्सिस और ये हो जा रहा है अपने पास में वाई एक्सिस, एंड जो डिविजन जैसे मैंने बोला उसके हिसाब से करेंगे। हमारे पास एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जा रही है हमारा 42 तक, मैं क्या करूंगा 50 तक का यहाँ पे डिविजन करूंगा, मैं कि लास्ट पॉइंट जो मेरे पास में यहाँ पे रहेगा वो रहेगा अपने पास में 50 का, एंड मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ये अपने पास में यू नो 10 10 का कर लेता हूँ, 10 हो गया है, 20 हो गया है, 30 हो गया है, एंड दिस विल बी 40 एंड वहां पर हो गया 50। इसके हिसाब से हमारे पास डिविजन हो गया है। अब मैं वाई की वैल्यू देखता हूँ, वाई की वैल्यू जो हमारे पास है मैक्सिमम जा रही है 12 तक का, मैं 15 ले लेता हूँ राउंड फिगर में, ठीक है। तो अपने पास में यहाँ पर हो जा रहा है 5, 10 एंड 50। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू करते हैं। पहला वैल्यू जो अपने पास में यहाँ पर आ रहा है 0 पे 6 का, ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास दोनों के लिए 0 हो जा रहे हैं, एंड 0 पर हमारे पास क्या मिल जा रहा है 6 मिल जा रहा है। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास में 0 है एंड फॉर दैट थिंग वी आर गेटिंग 6। फिर हमारे पास में आ रहा है 7 पे 7, ठीक है, 10 से हमारे पास थोड़ी सी वैल्यू कुछ कम होगी, यहाँ पे कुछ होगी, और हमारे पास 5, 6, 7 जहां पे कहीं पे मिलने वाला है। 14 पर हमको मिल रहा है 8, तो अपने पास में 14 15 से थोड़ा सा कम होगा, 8 मतलब जस्ट हल्का सुपर रहने वाला है, एंड 42 पे मिल रहा है हमको 12, 42 हमारे पास यहाँ पे कहीं होगा 15 से ऐसा कहीं पे मिलने वाला है। तो हम लोग अगर मिलाना चाहें और देखें तो फिर हम लोग ये देख सकते हैं कि अपने पास में ये क्या हो जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास से पहले वाले इक्वेशन के लिए लाइन। अब देखते हैं हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन को। हमारे पास जो दूसरे वाला इक्वेशन है ये शुरू हो रहा है अपने पास में 6 से, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, हम लोग 6 पुट करते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे 6 पुट करते हैं x की वैल्यू को, तो हमारे पास y की वैल्यू मिलती है 0, यहाँ पे हमको मिल रहा है 0। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू को बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं 12, 12 पे हमको वैल्यू मिल रहा है अपने को यहाँ पे 2, जो चलो ठीक है यहाँ पे ये मिल जा रहा है अपने पास 2। 18 पे हमको मिल रहा है 14, 20 से हल्का सा कम रहने वाला है और यहाँ पे ज्यादा बढ़िया रहा है 4 हो जा रहा है, एंड 42 पर क्या मिल रहा है अपने को 20, सेम स्पॉट पर। और ये हो गया हमारे पास में ग्राफिकल का रिप्रेजेंटेशन। अगर हमको कोई यहाँ पे बोलता कि हमको क्या करना है कि यहाँ पर वैल्यूज को फाइंड आउट करने की, कौन सी वैल्यू के लिए हमारे पास ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये जो 42 पर जो 12 मिल रहा है ये क्या रहता है अपने पास में आंसर, मतलब कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाती है अपने पास 42 हो जाती है एंड y की वैल्यू हो जाती है अपने पास 12। ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग इसी नंबर को क्या बोलते हैं सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये दोनों के लिए कॉमन है, ये ऐसा नहीं कि किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है एंड दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं, ये दोनों को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। सो अगर हमको इसको आगे फर्दर सॉल्व करना होता या फिर ग्राफिकली ही हमको इसका आंसर निकालना पड़ता तो हमें डायरेक्टली बोलते कि हमारे पास में एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 42 एंड वाई की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 12, बिकॉज बोथ इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड बाय दीस वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास में एक क्वेश्चन। ऐसे अगर हमारे पास में कोई दूसरा टाइप का क्वेश्चन है तो उसका सोल्यूशन कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। चलो ये कंडीशन हमारे पास थोड़ा सा अलग है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बैट्स 3 बैट 6 बॉल्स फॉर 3900, लेटर ही बैट्स अनदर 3 बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ 1300, ठीक है। तो हमारे पास में क्या करता है कि सबसे पहले ये 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल लेके चलता है, ऑब्वियसली बॉल हमको ज्यादा चाहिए रहता है, ठीक है। तो हमारे पास में यहां पर बता तो दिया कि बैट कितना खरीदा गया है, प्राइस हमको नहीं पता है, प्राइस जो भी दिया हमको टोटल प्राइस दिया हुआ है। तो चलो हम यहाँ पे इक्वेशन डायरेक्टली क्या बोलते हैं स्टेटमेंट से बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक नंबर 3 तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, चलो लिख लेके हम लोग यहाँ पे 3 बैट है, अज्यूम कर लेते बैट हमारे पास उसका प्राइस क्या हो गया एक्स हो गया है,
एंड बोल रहा है। अब प्राइस यहां पर क्या बोल रहा है कि एंड बोल रहा है, मतलब कि हम लोग को यहां पर एड करना पड़ेगा। तो 3x प्लस कर लेते हैं, बॉन्स कितने 6 है एंड बॉन्स का प्राइस को कर लेते हैं वाई। जब दोनों के प्राइस को हमको मिलाया गया तो हमारे पास क्या मिला, 3900। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ऐसे ही बन जा रहे हैं। चलो दूसरा भी देख लेते हैं। फिर क्या बोला जाता है, ही बैज अनदर बैट, कि एक बैट खरीदा एंड 3 बॉल खरीदा। एंड अब पैसा क्योंकि हमारे पास में कम खर्चा होगा, सामान खर कम आया अपने पास में, तो ये इक्वेशन हो गया है। अगेन इसको भी क्या करना है अपने को, इसी तरीके से एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन से ये देख लेते हैं कि हमारे पास में इक्वेशंस क्या है, तो हमारे पास में ये काफी आसान हो जाता है नेक्स्ट स्टेप के लिए लिख पाना कि भाई हमको यहाँ पर करना क्या करके। तो हम लोग यहाँ पर फिर से क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट प्राइस प्राइस ऑफ बैट बी एक्स एंड प्राइस ऑफ बॉल बी वाई। अब ये करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अगर हम लोग एक्स एंड वाई डिफाइन नहीं करेंगे कि भाई किसका प्राइस है, तो सामने वाला कुछ भी अज्यूम कर सकता है। वो ये अज्यूम करेगा चलो ठीक है, वाई हमारा बैट का प्राइस हो जा रहा है, एक्स हमारा क्या बोलते हैं बॉल का हो जा रहा है। तो इन द बिगिनिंग वी हैव टू मेंशन दैट थिंग कि हमारे पास एक्स किसके लिए लेके चल रहा है, वाई किसके लिए लेके चल रहा है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सिचुएशन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा सिचुएशन, ये रहेगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 एंड दूसरा पे हमारे पास रहेगा x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों ने इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे मिल गया है, ठीक है, यहाँ पिछले बार भी हमारे पास में क्या आ गया था, इक्वेशन आ गया था, यही लोग को हमको लेके आना था एल्जेब्रिकली, बट ग्राफिकली भी हमको कुछ करना था। तो एल्जेब्रिकली हमारे पास में तो कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा, डायरेक्टली हमारे पास में इक्वेशन क्या हो गया, आ गया है। बस जो भी करना है हमको मेहनत किसके लिए करना है, ग्राफिकली के लिए करना है। तो हम लोग का अप्रोच क्या रहेगा यहाँ पर, वैसे ही रहने वाला है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ टेबल बनाएंगे, ठीक है। इन टेबल्स में हम लोग क्या पुट करते हैं, हमेशा से एक्स की वैल्यू विथ वाई की वैल्यू निकालते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू द वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे x लिखते हैं, y लिखते हैं एंड सबसे पहला इक्वेशन जो हमारे पास है 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 के लिए, सबसे पहले वैल्यू मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलो जीरो लेके चलता हूं मैं। एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था, इस वाले में हमने क्या करते हैं, x की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं, बट हमको y का एक्सप्रेशन कुछ तो निकालना पड़ेगा जिसमें x की वैल्यू को पुट करें। तो सेम चीज मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 3x को ट्रांसपोज कर लेता हूँ तो जाएगा अपने पास में y इक्वल टू 3900 माइनस 3x एंड क्योंकि हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड में है तो हम उसको क्या कर देंगे, वहां पे डिवाइड कर देंगे। तो जैसे मैंने बोला कि अगर x की वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या पुट करता हूँ, जीरो पुट करता हूँ, तो ये आएगा 3900 हो जाएगा अपने पास में। अगर मैं यहाँ पे 6 से फिर डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3900 अपॉन 6, ठीक है, 3 1 3 3 एंड फिर 2 6 2 5, तो ये जाएगा अपने पास में 650, ठीक है, ओके। चलो एक और वैल्यू बीच की कुछ हम लोग देख लेते हैं, मान के चलो मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, चलो 400 में पुट करके देख लेता हूं, 400 करने से क्या होता है, 400 500 तो हमारे पास ये हो जाएगा 3900 माइनस 400 5 हो जाएगा थर्टी फाइव हंड्रेड हो जाएगा अपने पास में, सॉरी 3900 एंड अपने पास 3 भी थे यहां पर तो 1200 हो जाएगा अपने पास। ये 7 हो जाएगा अपने पास में, ये 2 था, 2 का 1 अपने पास में हो जाएगा यहां पर, सॉरी 2700 हो जाएगा। इसको हमें फिर डिवाइड करते 6 से, तो ये हो जाएगा अपने पास में 3 2 3 9
450. तो 400 डालने पर हमारे पास में यहाँ पे आंसर क्या जा रहा है, 450 आ जा रहा है. एंड हमारे पास फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 1300 भी पुट करके देखते हैं. 3900 ओके, हमारे पास यहाँ पे था 00 माइनस 3x था अपॉन 6. अगर हम लोग 1300 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, 3900, विच मीन्स ये हो जाएगा अपने पास में 0 अपॉन में, फिर अपने पास 6 भी रहा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. सेम हम लोग करते हैं इस वाले के साथ में, ठीक है. यहाँ पे y इक्वल टू था अपने पास 3900 माइनस 3x अपॉन 6. यहाँ पर जा रहा अपने पास हम y इक्वल टू 1300 माइनस x अपॉन 3. चलो x की पहली वाली जो हम लोग यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पर 100 डाल के देखते हैं. अगर मैं यहाँ पे 100 डालता हूं तो क्या हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा. एंड 1200 अपॉन 3 क्या हो जाएगा अपने पास में, ये जाएगा अपने पास में 400, ठीक. सेकंड जो अपने पास में यहाँ पे 400 पुट करके देखता हूँ. चलो 400 पुट करते तो हमारे पास में कितना जाएगा, ये 1300 माइनस 400 अपॉन 3, ये जाएगा अपने पास 900. 900 अपॉन 3 हो जाएगा अपने पास में 300. एंड फाइनली हमारे पास में जो 1300 है, सेम वैल्यू पुट करते हैं तो ऑब्वियसली अपने पास में क्या आने वाला है, आंसर 0 आने वाला है. अब क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं. बट जैसे कि मैंने पहले बोला था, हमको यहाँ पे ध्यान ये देना पड़ेगा कि हमारे पास में एक्स एंड वाई की मैक्सिमम वैल्यूज कितनी है, बिकॉज वो वैल्यूज हमारे पास में यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है. तो मैक्सिमम वैल्यू एक्स की हमारे पास में 1300 है. मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये जो है इसको 1500 तक का लेके चलता हूँ मैं, ठीक है. ये 1500 हो गया है. फिर अपने पास में बीच में कहीं पर कुछ वैल्यू लेके चलते हैं. अपने पास ये हो जाएगा 700 हो जाएगा, ठीक है. ये अपने पास में हो जाएगा फिर 900, ये जाएगा अपने पास में 1000. बीच में लेके चलते 1200, यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा 500. इसको यहाँ पे लेके चलते हैं 300 एंड सो ऑन, जैसे हमारे पास में आता है. लीनियरली हम यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे. एक्स की जगह पर ये हो जा रहा है अपने पास में, वाई की जगह पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, वो जा रही है 650 तक. मैं यहाँ पे क्या लेके चलता हूँ, उसको 700 तक लेके चलता हूँ मैं. इसको मैं लेके चलता 200, 400, 600, 700, 800 तक लेके चलता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक. अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे पॉइंट बनाने शुरू करते हैं. जीरो पर हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है 650 के आसपास वैल्यू. जीरो एक्स की वैल्यू है एंड 650 मतलब कि यहाँ पर अपने पास में 700 एंड इसके बीच का वैल्यू हो जा रहा है. 400 पर हमको मिल रहा है 450, जस्ट इसके बीच में कहीं पर आने वाला है. एंड इसके लिए हमारे पास में अगेन बीच में कहीं पर 450 तक वैल्यू मिल रहा है. एंड 1300 पर हमारे पास क्या हो जा रहा है, ये जीरो हो जा रहा है. 13 यहाँ पर कहीं पर पड़ रहा होगा. तो हमारे पास में एक लाइन क्या हो जा रहा है, जस्ट ऐसे हो जा रहा है. एक दूसरी लाइन हमारे पास में जो बनने वाली है x plus 3y equal to 1300 के लिए, हमारे पास में आप कुछ इस तरीके से बनेगा कि x की वैल्यू 100 पर, अगेन हमारे पास 100 कहीं बीच पर आ रहा है स्टार्टिंग में, यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जा रही है, अपने पास 400 हो जा रही है. एट 400 पर हमारे पास 500 था, 400 थोड़ा सा बाद में आएगा, और हमारे पास ये 300 जस्ट इसके सेंटर पर कहीं पर आ जाएगा अपने पास. 1300 पर 0 सेम स्पॉट जा रहा है. तो हमारे पास इसके लिए भी लाइन क्या रहने वाला है, स्ट्रेट ऐसे बनने वाला है. तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है वहां पर क्या हो जा रहा है, वैल्यूज हमारे पास कॉमन आ जा रही है. एंड ये जो कॉमन वैल्यूज होती है, यही क्या रहते हैं हमारे पास में, दो लीनियर क्या बोलते हैं अपने पास में, टू वेरिएबल इक्वेशन के लिए क्या रहते हैं अपने पास, सोल्यूशन मिल जाते हैं. तो हम लोगों ने अभी देखा था कि किस तरीके से अगर हमारे पास में कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया हो तो कैसे हम लोग वहां पर वेरिएबल असाइन करते हैं, एंड कैसे हम लोग वहां पर उनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाते हैं. एंड एक बार हमारे पास में एल्जेब्रिक इक्वेशन आ गया तो उसके बाद में उसके ऊपर ग्राफ बनाना उतना मुश्किल काम नहीं रहता है. बस हमको कुछ वैल्यूज एक्स की पुट करनी रहती है, वाई की वैल्यूज आते जाएंगे, एंड हम लोग उनसे मिले कोऑर्डिनेट से ग्राफ बना सकते हैं.
अब हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पेयर्स ऑफ इक्वेशन आते हैं इनकी कंसिस्टेंसी के बारे में बात करते हैं, या फिर हम लोग ये देखते हैं कि ये आपस में पैरेलल लाइंस बना रहे हैं कि हमारे पास में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि कहीं एक दूसरे के ऊपर में कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको हम लोग अभी यहाँ पे टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास में ये जो क्वेश्चन है ये क्या बोलता है कि हमारे पास कंपेयर करना है रेशियो के, हमारे पास रेशियो को कंपेयर करना है A1 बाय A2, B1 बाय B2 एंड C1 बाय C2 का, एंड ये फाइंड आउट करना है कि वेदर हमारे पास ये पैरेलल है लाइंस, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये फिर कोइंसिडेंट है। अगेन हमारे पास में तीन कंडीशंस है। तो एक बार हम लोग हल्का सा रिविजन ले लेते हैं। हमारे पास में होता क्या था कि अगर हमारे पास रेशियोज जो है, जैसे कि A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, तो क्या होते थे, हमारे पास लाइंस इंटरसेक्ट करते थे। ठीक है, पैरेलल के केस में क्या कंडीशन था हमारे पास कि A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2। तो ये जैसे यहाँ पे हमारे पास इक्वल नहीं हो रहे थे, यहाँ पे इक्वल होते हैं, बट एक और जो रेशियो है C1 बाय C2 का, ये हमारे पास में इक्वल नहीं होना चाहिए। बट अगर ये भी हमारे पास में इक्वल हो जाते तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइंस क्या करने वाले हैं, कोइंसाइड करने वाले हैं, मतलब कि वो एक के ऊपर एक आ जाएंगे। तो चलो यहां पर देखते हैं। तो हमारे पास में यहां पर A1 एंड A2 की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। यहां पर हो जाएगा A1 बाय A2 इक्वल्स हो जाएगा 5/7, B1 बाय B2 हो जाएगा अपने पास में 4/6, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है 2/3, एंड C1 बाय C2 हमारे पास हो जाएगा 8/9, जिसको हम लोग फर्दर काट के सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि हमारे पास में क्या हो जा रहा है, A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। तो हमको आगे फर्दर जाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले अपने पास में ये दोनों इक्वल नहीं है तो उधर ही रुक जाएंगे। अगर इक्वल है, A1 बाय A2 का रेशियो B1 बाय B2 के रेशियो के बराबर है, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों कंडीशंस को हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे। बट अगर पहले भी फेल हो जाता है, दैट मींस हमारे पास क्या हो गया, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या कर रही है, लाइंस हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे पास रेशियोज क्या क्या दिए हुए हैं। तो हमारे पास यहां पर है A1 बाय A2 इक्वल्स हो जाएगा 9/18, विच मीन्स 1/2, B1 बाय B2, इसको हम नीचे बना लेते हैं, सो B1 बाय B2 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 3/6, अगेन विच मीन्स 1/2, एंड फाइनली हमारे पास में C1 बाय C2 का रेशियो बचता है 12/24, अगेन ये भी क्या हो जाएगा अपने पास में 1/2 हो जा रहा है। तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि हमारे पास में A1 बाय A2, B1 बाय B2 एंड C1 बाय C2 तीनों का रेशियो हमारे पास क्या है, सेम है, एंड इस कंडीशन में क्या करते हैं, लाइंस एक दूसरे के ऊपर में कोइंसाइड करते हैं। फाइनली हमारे पास क्या हो गया, थर्ड क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं कि क्या बोलता है कि अपने पास में A1 बाय A2 इक्वल टू जा रहा है 6/2, अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 3/1 का। B1 एंड B2 हमारे पास ये दोनों, ओके सॉरी, यहां पर हमारे पास ये माइनस में था तो माइनस हो जाएगा, एंड ये अपने पास ये भी माइनस रहेगा। खैर अगेन हमारे पास आंसर तो सेम रहने वाला है। सो अगेन यहां पर हम लोग आते हैं, ये था अपने पास -3/-1, विच मीन्स हो जाएगा अपने पास ये 3/1 का, एंड C1 बाय C2 अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 10/9। अब ये हमारे पास में फर्दर नहीं कटने वाला है, बिकॉज 9 3 का मल्टीपल है, 10 2 एंड 5 का मल्टीपल है, सो कुछ कॉमन नहीं है, दोनों के दोनों को फैक्टर बन जा रहे हैं। तो हमारे पास में क्या हो जा रहे हैं, A1 बाय A2 इसका रेशियो इक्वल है B1 बाय B2 के, बट नॉट इक्वल है C1 बाय C2 के, विच मीन्स ये क्या अपने आप पास पैरेलल है। तो हमारे पास ये तीन अलग अलग कंडीशंस हम लोग यहां पर देख रहे हैं, तीन अलग अलग क्वेश्चन से, तीनों में हमारे पास क्या हुआ, अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस हम लोग यहां पर देख रहे हैं। ये तो खैर हो गया, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स
ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमको यहाँ पे ये चेक करना है कि कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। अगेन बहुत ही आसान होता है चेक करना। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास में तीन कंडीशंस होते थे, एक में इंटरसेक्ट करता था, एक में कोइंसिडेंट करता था और एक में पैरेलल था। तो होता क्या कि जब इंटरसेक्ट करता है एंड कोइंसिडेंट होता है, सिर्फ ये दो कंडीशंस होते हैं जब हमारे पास में एक इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है। जब पैरेलल होता है तो हमारे पास क्या होता है, इनकंसिस्टेंट रहता है। मतलब कि हमारे पास ये जो कंडीशन था, हमने यहाँ पे लिखे थे कि ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ये कंडीशन हो गया। मतलब क्या हो गया, अपने पास इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ग्राफ नहीं बनाना है, बिकॉज उस कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं लाना है। बट अगर हमारे पास में कंसिस्टेंट है तो हमको क्या करना है, सॉल्यूशन लेके आना है, वो भी क्या है, ग्राफिकली। तो लेट्स ट्राई यहाँ पे होता क्या करके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर वन से। हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई माइनस एट कर लेते हैं। बिकॉज यूजुअली जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है जिसका हम लोग रेफरेंस लेके चलते हैं, वहां पर हमारे पास में ऐसी कोई इक्वेशन आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास में इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा अपने पास में थ्री एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो। ए वन बाई ए टू इक्वल टू हो जाएगा, एक्स का कोफिशियंट है वन, यहां पर हो जा रहा है थ्री, तो वन बाय थ्री। अब मैं यहां पे निकालता हूं बी वन बाई बी टू, माइनस वन है कोफिशियंट वाई का और यहां पे है माइनस थ्री, कट के हमारे पास में वन बाई थ्री हो जाएगा। तो हमारे पास ये दोनों तो क्या हो गया, अपने पास इक्वल हो गए। अगर हमारे पास ये फाइनल जो है सी वन बाई सी टू ये भी इक्वल हो जाए तो हमारे पास इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो देखते हैं एट बाय सिक्सटीन हो जा रहा है एंड सैडली हमारे पास ये कंसिस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास में जब ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर सी वन बाई सी टू नहीं हुआ, तीनों इक्वल नहीं हुए, तो क्या हो गया अपने पास में इक्वेशन क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। विच मीन्स वी हैव गॉट नो सॉल्यूशन, यहां पर कोई भी सॉल्यूशन हमको नहीं मिलने वाला है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। हमारा अप्रोच सेम वैसी रहेगा, हमको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी के अपने पास सारे के सारे नंबर्स एक साइड पर आ गए। मैं डायरेक्टली ए वन बाई ए टू निकालने की कोशिश करता हूँ, ये हो जाएगा टू बाई फोर, फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास वन बाई टू, अपने पास में हो जाएगा बी वन बाई बी टू वन बाय माइनस टू। एंड यहीं पर क्या हो जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास में ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, which means हमारे पास इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। तो हमको यहां पे क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो हमको क्या करना है, यहां पे ग्राफ को प्लॉट करना है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले बार देखा था ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं, वैसे ही हम लोग क्या करने वाले, यहां पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो ये हमारे पास स्पेस हो गया जहां पर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे एंड हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर वन को लेके चलते हैं, टू एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, एंड इसके हिसाब से हमारे पास वाई इक्वल टू में कर लेते हैं सिक्स माइनस टू एक्स। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, वाई की वैल्यू हमको मिल जाएगी। हम लोग एक टेबल जैसा बना लेते हैं, एक्स है यहाँ पे वाई है, तो एक्स की वैल्यू मैं शुरू करता हूँ जीरो से। x की वैल्यू अगर मैं जीरो रखूंगा तो y की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी अपने पास में, सिक्स हो जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं वहां पे वन रखता हूं तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, सिक्स माइनस टू क्या हो जाएगा, फोर। अगर x की वैल्यू यहां पे मैं टू रखता हूं तो टू टू जा फोर हो जाएगा एंड आंसर में अपने पास में आने वाला है टू। एंड अगर मैं यहां पर थ्री रखता हूं तो आ जाएगा अपने पास में जीरो। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए। मैं क्या करता हूं, सेकंड इक्वेशन के लिए भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करता हूं। ये हो जा रहा है फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, या फिर मैं क्या करता हूं वैल्यूज को निकालने के लिए टू वाई कुछ लिखता हूं फोर एक्स माइनस फोर, वाई कुछ हो जाएगा टू एक्स माइनस टू। अगेन वाई टू से मैं यहाँ पे डिविजन करूंगा तो क्या हो जाएगा, अपने पास में वैल्यूज वगैरह कट जाएंगे एंड हमारे पास सिर्फ यही सब बचने वाला है। अगेन हम लोग क्या करने वाले, ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, x ऊपर में है नीचे में y है। शुरुआत हम लोग फिर से करने वाले हैं जीरो से,
एक्स के लिए मैं यहाँ पे जीरो पुट करता हूं तो ये फर्स्ट टर्म पूरा जीरो हो जाएगा एंड आंसर में बचेगा सिर्फ माइनस टू। अगर मैं वन वैल्यू पुट करता हूं तो हमारे पास ये भी टू हो जाएगा और बाद वाला भी टू, दैट मीन्स ये हो जाएगा अपने पास में जीरो। अगर मैं यहाँ पे टू पुट करता हूं तो टू टू जा फोर और बचेगा अपने पास में टू। थ्री पुट करता हूं तो हमारे पास में थ्री टू जा सिक्स एंड फाइनली हमारे पास में बचने वाला है सिक्स माइनस टू फोर। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो x की जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास जो जा रही है थ्री तक जा रही है। यहाँ पे मैं x यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे मैंने लिखा y। एंड हमारे पास में y की जो वैल्यू आ रही है मैक्सिमम वो अपने पास जा रही है सिक्स तक। तो मैं y पर क्या कर लेता हूं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड x पर मैं लेके चलता हूँ थ्री तक, वन टू थ्री और ये हो गया अपने पास में जीरो पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट मैं इस लाइन के लिए लेके चलता हूं, जीरो पर हमारे पास आ रहा है सिक्स, क्योंकि जब मैं एक्स की वैल्यू जीरो रख रहा हूं तो वाई की वैल्यू मेरे पास पहुंच जा रही है सिक्स। दूसरा पॉइंट अपने पास में है वन पर फोर, जब वन पर हो तो मेरे पास में फोर आ जा रहे हैं, टू पर अपने पास टू है, थ्री पर हमारे पास क्या जा रहा है जीरो। तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास मिलने वाला है। एक और हमारे पास जो आंसर यहाँ पर आएगा, लाइन आने वाला है, वो हमारे पास में है 4x माइनस 2y माइनस 4 के लिए। यहाँ पर हम लोग फिर से वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास जब x की वैल्यू जीरो है तो वैल्यू हमारे पास होती है माइनस टू। अब माइनस टू हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे से आ जाएगा, तो हमारे पास ये माइनस वन होगा और नीचे में हमारे पास में माइनस टू होगा। तो ये हमारे पास इस पॉइंट पे मिलेगा, वन पर हमको मिलता है जीरो, टू पर मिलता है अपने को टू, थ्री पे मिलता है अपने को फोर पर। अगेन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन फिर से हमको यहाँ पे मिल जा रहा है। एंड हमारे पास हो क्या रहा है, ये जो पॉइंट है जहां पर हमको टू बाय टू मिला था इस पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स यहां पर एक्स की वैल्यू टू है एंड यहाँ पर वाई की वैल्यू भी टू है एंड दिस इज अवर सोल्यूशन। तो हमारे पास आंसर क्या हो जा रहा है सॉल्यूशन के लिए, यहाँ पर 2.2 या फिर x equals to 2 पर y equal to 2 मिल जा रहा है। So, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड उसके बाद में ग्राफिकली हम लोग क्या करते हैं कर सकते हैं सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं।